क्यों कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल टाइमली चेक करते रहा करिए और कम होने पे उसे टॉपअप किया कीजिए। आपने अपनी नई नई गाड़ी अभी परचेज़ करी है और आपने इंजन ऑयल चेक किया और वो निकला कम, उसका लेवल हो गया कम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंजन ख़राब है। आपका इंजन हेल्थी कंडीशन में होने के बावजूद भी इंजन ऑयल कम हो जाता है, उसे कहा जाता है इंजन ऑयल कंजप्शन। तो आइए जानते हैं आपका इंजन ऑयल कहाँ चला जाता है और किन किन परिस्थितियों में आपका इंजन ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी का इंजन अगर बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में भी है तब भी आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कंज्यूम होता है, लेकिन ये जाता कहाँ है दोस्तों? गाड़ी के इंजन में होते हैं पिस्टन, पिस्टन में होती है रिंग्स और उस रिंग को लुब्रिकेट करने के लिए वहाँ तक इंजन ऑयल पहुँचता है, लेकिन रिंग्स और सिलेंडर वॉल के बीच में होता है थोड़ा सा माइनर सा क्लियरेंस, जिससे कि वो इंजन ऑयल बहुत ही कम अमाउंट में उस कम्बशन चैम्बर के अंदर चला जाता है, जो कि आपके फ्यूल के साथ बर्न होके बाहर निकल जाता है, जो कि आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती है। थोड़ा बहुत इंजन ऑयल कंज्यूम हो जाना ये चीज़ एक्सेप्टेबल है मैन्युफैक्चरर के द्वारा भी। आपने देखा होगा कि जब आप सर्विस के टाइम पे इंजन ऑयल को रिप्लेस कराते हैं, आपका पुराना इंजन ऑयल काफ़ी कम अमाउंट में निकलता है। लगभग ये एक क्वार्टर इंजन ऑयल एक ऑयल चेंज इंटरवल के दौरान आपका कम हो जाता है। और भारत की सबसे ज़्यादा मार्केट सर्च करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी कहती है कि आपका मैक्सिमम इंजन ऑयल कंजप्शन 1000 किलोमीटर पे 1 लीटर हो सकता है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑयल कंजप्शन आपका हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी गाड़ी के रिंग, पिस्टन, सिलेंडर वॉल्व या फिर आपके गाड़ी के वॉल्व आपके वॉर्न आउट हो चुके हों, जिससे कि काफ़ी अमाउंट में इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के कंबशन चैम्बर में जा रहा है और वो आपके एग्जॉस्ट पाइप से होके बाहर निकल जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में इंजन ऑयल आपके इंजन के अंदर जा रहा है, आपका फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा, तो ये चीज़ आपकी डिटेक्ट कर लेगा आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंजन में ख़राबी है और जो इंजन ऑयल कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी गाड़ी को हाई आरपीएम में चलाते हैं तो भी आपका इंजन ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होता है। हाई आरपीएम में चलाने का मतलब है अगर आप अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में चलाते हैं उस टाइम पर आपका इंजन ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होता है। दूसरा, आपकी गाड़ी में लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा जब आपकी गाड़ी में होता है तो आपको लोअर गियर में हाई आरपीएम में चलानी पड़ती है उस लोड को कैरी करने के लिए और उस लोड को खींचने के लिए, तब भी आपका इंजन ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा, आप अगर हिली एरिया में गाड़ी चलाते हैं तब भी चढ़ाई के टाइम पे आपको हाई आरपीएम की ज़रूरत होती है, तब भी आपका इंजन ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा होता है। खासकर इस तरीके के लोग जो आप तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी में लोड रख के ज़्यादा चलाते हैं या फिर आप हिली एरिया में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो आप अपना इंजन ऑयल का लेवल चेक करते रहा कीजिए टाइम टू टाइम, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना किया कीजिए। और दूसरी चीज़, आप अपनी मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इंजन ऑयल को यूज़ नहीं करते हैं, उससे कम विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, तो तब भी आपके इंजन ऑयल कंजप्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका गाढ़ापन थोड़ा सा कम होता है और जो क्लियरेंस होता है इंजन में उससे वो इंजन ऑयल आराम से पास होकर कंबशन चैम्बर के अंदर चला जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, आप कई लगातार घंटों तक अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो आपका इंजन ऑयल की विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, उसमें पतलापन आ जाता है, उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तब भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंजन ऑयल कंजप्शन ज़्यादा हो पाए। तो तभी कहा जाता है कि 5-6 घंटे चलाने के बाद अपनी गाड़ी को आप रेस्ट दीजिए आधा या 1 घंटे का, और साथ ही साथ ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी है, आपको भी रेस्ट मिल जाएगा। और ऑयल कंजप्शन को मेजर करने के लिए कोई करेक्ट आंकड़ा अभी तक है नहीं, और एक ही तरीका है इसका, आप टाइमली अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल चेक करते रहिए। आपको कम लगता है तो आप उसे टॉपअप कीजिए, आपको जब नॉर्मल लगता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो सिर्फ एक ही तरीका है अपने इंजन ऑयल का ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपना इंजन ऑयल का लेवल अब चेक करते रहेंगे, और आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहता हूँ मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।